तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? और एक नए वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो फाइनली तो बनी बंडल वापस आ चुका है, तो उसको हम निकालने वाले हैं। तो फटाक से वीडियो को एक लाइक कर दो, अगर वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो फिलहाल हम 29 का जो एयर ड्रॉप आया हुआ है तो इसको परचेज करने वाले हैं। तो चले वीडियो को। तो शुरुआत में दोस्तों मैंने एक मिस्टेक किया है, तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करने की जगह वीडियो को सब्सक्राइब कर दो बोला है, तो सॉरी, माफ़ समझ कर रहे दो हो? दोस्तों। समझ रहे हो ना? तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करो या फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फटाक से रिडीम कोड को हम परचेज कर लिया है, तो यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। सॉरी दोस्तों, एक गलती हो गया, तो फिर से ट्राई करते हैं। तो चलो दोस्तों, फटाक से हम परचेज कर लेते हैं एयर ड्रॉप को। तो दोस्तों, वीडियो के बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा घर ऐसा है, मतलब साउंड आ रहा है नीचे से, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मतलब नॉइज़ तो आ रहा है, तो आप उस नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो ये रिडीम कोड आ चुका है, तो रिडीम कोड को कॉपी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये फ़िलहाल कुछ काम का नहीं है। तो काम कॉपी कर लिया तो भी कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको रिडीम कर लिया है। तो चलिए, यहाँ पर रिडीम हो चुका है, तो एयरड्रॉप परचेज हो चुका है शायद। ओके, सक्सेसफुली परचेज लिखा हुआ आ रहा है, ओपन करते हैं इसको। तो ये देखिए, गन का क्रेट आ चुका है और डायमंड भी 299, तो 300 डायमंड मेरे पास है, और इसको हम बनी बंडल निकालेंगे 300 डायमंड में। तो चलिए लॉक रॉयल पे चलते हैं। तो पहले हमने नोबड़ा कैरेक्टर ले लिया है एडम को, और गोल्ड रॉयल स्पिन मारेंगे पहले। तो हमने कैरेक्टर स्किल वगैरह सबको, मतलब पेट जो ऑन इक्विप कर दिया है, और कैरेक्टर भी नोबड़ा कैरेक्टर ले लिया है, एडम को ले लिया है, प्रीमी शायर नया नाम है। तो यहाँ पर पहले गोल्ड रॉयल स्पिन मारते हैं दोस्तों, तो पहले दो चार गोल्ड रॉयल स्पिन मार देते हैं। तो यहाँ पर मैं फटक से मार लेता हूँ यहाँ पर। तो गोल्ड रॉयल स्पिन मार दिया दोस्तों। तो अभी फिर से चलते हैं लॉक रॉयल पे, और सीधा चलते हैं बनी रॉयल पे, और इधर हम ट्राई करेंगे 40 डायमंड पहले ट्राई करेंगे, और फिलहाल मेरे पास 300 ही डायमंड बचा हुआ है, नहीं मतलब 300 डायमंड ही है मेरे पास, 302 डायमंड है। तो मैं 300 डायमंड में निकालने की कोशिश करूँगा। तो पहला स्पिन 40 का, देखते हैं क्या मिलता है। ओ भाई साहब, 3 टोकन मिला है दोस्तों, तो ये भी काम का है। तो पहले स्पिन में 3 टोकन मिल गया है, दूसरा स्पिन 40 का फिर से करते हैं, क्या निकला। अरे भाई साहब, गॉन का क्रेड मत दो यार। अरे यार, अरे मुझे बनी बंडल चाहिए यार। तो फिर से ट्राई करते हैं दोस्तों 40 का, और एक बार ट्राई करते हैं, शायद इस बार भी। ओ भाई साहब, पिंक कलर का, शायद कॉन्ग्रेचुलेशन, शायद कुछ मिला है। ओ भाई साहब, ये बनी का लूट बॉक्स मिला है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, ये भी एक रेयर आइटम है, तो चल जाएगा, चलाएंगे, नहीं चला तो भी चलाएंगे, क्या करें, किस्मत ही ऐसी है। तो फिर से ट्राई करते हैं 40 का। तो इसमें कुछ शायद निकल जाएगा। अरे भाई साहब, वाइट फिर से गन क्रेट यार, क्या भाई साहब, ऐसा मत करो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो 40 40 स्पिन मारेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है, जो कि 400 का स्पिन, नहीं भाई, घाटे, हम तो घाटा में पड़ जाएंगे यार, नहीं पुसाएगा। तो फिर से हमने गोल्ड रॉयल स्पिन मारा है, तो ट्रिक आजमाया है, जो कि एक कामयाब ट्रिक है दोस्तों, मैंने बहुत बार ट्राई किया तो कामयाबी मिली है। तो हमने फिर से गोल्ड रॉयल स्पिन मार दिया है दो चार बार, तो हम इसको लॉग आउट करेंगे। ये एक धांसू ट्रिक है दोस्तों, और 2-4 मिनट के लिए हम लॉग आउट कर देते हैं, जिसको गारेना को पता चलेगा, मतलब लगेगा कि हम नया नया बंदा है और फ्री फायर पे
अभी अभी लॉगिन किया है, तो ऐसा पता चलेगा। तो फिर से हमने 2 मिनट के बाद फिर से यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं अपने आईडी पे। तो चलिए चलते हैं लॉक रॉयल पे फिर से। तो लॉक रॉयल पे जाने के बाद हम फिर से वही ट्रिक आजमाएंगे, जो कि गोल्ड रॉयल स्पिन करेंगे फिर से 2-4 बार। अब मैं 2-4 बार कर देता हूँ यहाँ पर पटक से। तो हमने 2-4 बार स्पिन कर लिया दोस्तों, फिर से बनी रॉयल पे चले आए हैं यहाँ पर और एक बार ट्राई करेंगे। 40 का स्पिन मारेंगे, हमारे पास बचा है सिर्फ 142 डायमंड और 40 का स्पिन। ये ले तेरी, ओ भाई साहब, अरे यार सिर्फ एक टोकन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक टोकन। अरे मुझे बनी बंडल चाहिए यार, बनी MP40, जो दोनों में से दोनों ही चाहिए, मतलब किसी एक को लेना मैं पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे दोनों ही चाहिए। तो ये 50 में मिल रहा है दोस्तों, तो मैं शुरुआत में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन थोड़ा इधर उधर भटक रहा है, तो सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि हाँ, 50 टोकन चाहिए बनी बंडल के लिए और 40 टोकन, तो ये ले और एक बार 40 का स्पिन पे एक टोकन। अरे यार ऐसा कौन करता है भाई साहब, फिर से वही ट्रिक, कोई बात नहीं। हम कैरेक्टर चेंज करते हैं, अपना नूला कैरेक्टर को लाते हैं, शायद ये नूबड़ी कुछ कर सके। सॉरी मतलब नूबड़ी कैरेक्टर अगर लगाएंगे तो शायद गरना का दया धर्म होगा और रहम करेगा गरना और दे देगा शायद। तो चले नूला करेक्टर लगाने के बाद और एक 40 का स्पिन मारते हैं और पिंक कलर आया है, कंग्रेचुलेशन, शायद इस बार मिला होगा। ओ भाई साहब, मेरे हिस्टर बनी, क्या यार हिस्टर बनी यार, लॉन्चर में मेरे पास पहले से ही था यार लॉन्चर। अब मेरे पास मेरे पास सारे डायमंड ख़त्म हो चुका है दोस्तों। मैंने फिर से और 2 बार 400 का टॉपअप किया, लेकिन घाटा हो गया भाई साहब, क्या करें। तो मैं आप सभी लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आपके पास अगर कहीं से भी अदर सोर्स से अगर पैसा आ रहा है तो प्लीज़ इस पे खर्च कीजिएगा, नहीं तो आपका भारी नुकसान हो जाएगा। और क्या बताएं जनाब, 2000 के करीब मैंने डायमंड उड़ा दिया है, लेकिन फिर भी बनी बंडल ना ही बनी MP40, ना ही बनी बंडल, क्रेजी बनी बंडल नहीं मिला मेरे को। और मैं 2000 डायमंड का घाटा हो गया, 2000 डायमंड का RIP हो गया, और क्या बताएं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो ये एक इन्फॉर्मेशन था आप सभी लोगों के लिए। तो कितने डायमंड में बनी बंडल निकलता है, तो मैंने जो वीडियो बनाया है देखकर आप सभी लोगों को पता चल गया है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।